हेलो डियर लर्नर्स, तो आइए आज हम यूपी बोर्ड 2023 को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं सेंट्रल आइडिया कि हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। बच्चों का क्या रहता है, वो सोचते हैं ना कि हम पा जाएं कहीं से थोड़ा सा इजी वे, इजी लैंग्वेज में बस रट लें और छाप दें ले जा करके। और मतलब यूपी बिहार तो वैसे ही बदनाम है चीटिंग के लिए। ठीक है, तो नकल के मामले में बच्चों का क्या है कि बच्चे अगर किसी मान लीजिए कोई एक कमरा है जिसमें नकल हो रहा हो, ठीक, सारे बच्चे एक ही छाप देते हैं, एक ही टाइप का, सबका वही चीज़। ठीक है, हाँ, अब उसमें जो होशियार बच्चा होगा वो चीज़ों को सुन लेगा और अपने तरीके से उसको लिखेगा, तो वो जो है वो थोड़ा बच जाएगा। जो टीचर कापी चेक करेंगे उनको लगेगा कि हाँ ये बच्चा अपना दिमाग लगाया है, और बाकी सभी बच्चों की कॉपी एक जैसी होगी। तो ये चीज़ है, आपको रटने के पीछे नहीं भागना चाहिए। मतलब मैं तो नकल के सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, तो कॉपी करना तो वैसे ही बुरी आदत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बच्चे रटने के पीछे होते हैं ना, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि बाबू अगर तुमको खुद लिखने आ जाए, कि अगर तुम जान जाओ कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, तो क्या तुम रटने के पीछे भागोगे। अगर तुमको पता हो कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि क्वेश्चन को आंसर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। कि देखिए, सबसे ज़रूरी है अगर हमको क्वेश्चन आंसर लिखने आ जाए, हमको एस्से लिखने आ जाए, हमको अप्लीकेशन लिखने आ जाए, हमको सेंट्रल आइडिया लिखने आ जाए, तो फिर हम रटे कहाँ, क्यों रटें बाबू। लेकिन नहीं, हमको सीखना ही नहीं है, हमको नहीं मतलब तुम लोगों को, ठीक है, सीखते ही नहीं हो या सीखने की कभी कोशिश नहीं किए, कहाँ आएगा बाबू। अब ठीक है, आज हम आ गए हैं, ठीक, तो आज हम बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई एक क्लास टेंथ का हम डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, क्लास टेंथ के बारे में। ठीक है, तो क्लास टेंथ का बहुत ही आसान सा चैप्टर है, या कह लें फॉग या डस्ट ऑफ स्नो, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये बहुत ही आसान है पोयम में है। ठीक है, ये फर्स्ट पोयम है और ये लास्ट पोयम है, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों बहुत ही इजी हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट एंड सिट्स, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो भी वैसे ही है। ये इसके लेखक कौन है, इसके जो पोएट हैं वह हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसके जो पोएट हैं वह हैं कार्ल सैंडबर्ग। ठीक, अब हम बारी आती है कि हम इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से पहले हम फॉग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तब बताएंगे कि लिखना कैसे है। सबसे पहले फॉग, तो फॉग हो गया पाठ का नाम, पोयम का नाम हो गया फॉग, उसके कवि जो हैं कार्ल सैंडबर्ग। अब इस फॉग पोयम में जो कवि हैं, ठीक है, वो फॉग, फॉग का मतलब होता है कोहरा या ओस, जैसे अभी ठंडी में, ठीक है, सुबह में या शाम में कोहरा और ओस पड़ता है, और ठंडी में तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब रात में ट्रेवल करते हैं या मॉर्निंग में भी कोचिंग वोचिंग जब जा रहे होंगे आप लोग, तो उसमें देखे होंगे कि अचानक से धुंध आता था, मतलब एक ऐसा छाया आता था जिसके सामने दिखना मुश्किल या लगभग इम्पॉसिबल था, ठीक है, आर पार नहीं दिख रहा था, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉग या कोहरा। ठीक है, इसे धुएं की तरह आता है और ब्लॉक कर देता है पूर्ण रूप से, आएगा तो पता नहीं चलेगा। तो इस कविता में भी वही है, फॉग की कवि ने कैट से कंपेयर किया है, जैसे बिल्ली आती है कमरे में घुस जाती है किसी को नहीं पता चलता, जब बर्तन खड़बड़ाता है ना
जितने भी बर्तन रहते हैं उसको तो वो दूध पीने के चक्कर में आती है, दूध दही कुछ भी हो, लेकिन जब बर्तन खड़बड़ाता है तब हम लोगों को पता चलता अच्छा कोई जानवर आ गया। और जानवर क्या, हम जान जाते हैं बस करो बिल्ली है होगी, ठीक है। तो हमारे भी कमरे में आ जाती है बाबू, वो खिड़की थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, तो बिल्ली घुस जाती है रात में। अब पता नहीं दूध पीने आती है या चूहा पकड़ने आती है, क्योंकि दोनों हैं, मतलब दूध तो ख़त्म हो जाता है, चूहे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो कभी क्या करता है, फॉग की तुलना बिल्ली से करता है, कंपेयर कर रहा है फॉग को, ठीक है। तो जिस तरीके से बिल्ली अपने छोटे छोटे पैरों से क्या करती है, कमरे में घुसती है, ठीक उसी प्रकार फॉग भी धीरे धीरे आता है और क्या करता है, छा जाता है। कहाँ, सिटी और हार्बर। हार्बर का मतलब होता है सी पोर्ट, बंदरगाह, सिटी के ऊपर और कहाँ, हार्बर के ऊपर। हार्बर सिटी माने शहर और हार्बर माने बंदरगाह, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर कोहरा क्या करता है, छा जाता है। और हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है चुक्की मुक्की मारना, मतलब घुटने को ऊपर जो सीने तक आ जाता है ना, घुटने को जैसे ऐसे दिख रहा है क्या, नहीं दिखा ना, ठीक। तो घुटने को जब हम सीने पर ला करके बैठ जाते हैं, जैसे वो मीम देखे होंगे आप लोग जिसमें तीन लोग खड़े मतलब बैठे रहते हैं, ठीक है, वही मीम, हाँ ठीक समझ गए। तो वो तीनों जो इसे बैठे रहते हैं, इसे पकड़े रहते हैं घुटने पर, इसे हाथ दे करके सोचते हैं कि उसका कुछ करना पड़ेगा, जो भी आता है जिसका भी मीम बनाना होता है। तो वो जिस तरीके से बैठे रहते हैं घुटनों को मोड़ करके, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हॉन्चेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम हॉन्चेज बोलते हैं, ठीक, घुटने को मोड़ करके बैठना। तो क्या करता है, आता है शहर में और बंदरगाह पे छा जाता है। तो जब वो आता है तो किसी को नहीं पता चलता, लेकिन जब शहर पे और बंदरगाह पे छा जाता है, घेर लेता है कोहरा, तब सबको पता चल जाता है, ओ कोहरा आ गया है, ठीक। और थोड़ी देर वहाँ बैठता है, मतलब कि रुकता है, और फिर साइलेंटली क्या करता है, साइलेंटली क्या करता है, मूव्स ऑन, आगे चला जाता है, यानी कि वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है, ठीक। बस यही कविता थी कि कभी जो है कोहरे को वो बिल्ली से कंपेयर किया है, कि कोहरा बिल्ली की तरह चुपके से धीरे से आता है, शहर और बंदरगाह में छा जाता है, कुछ देर वहाँ बैठा रहता है, ठीक है, यानी कि कुछ देर छाया रहेगा, और उसके बाद फिर धीरे से चुपके से क्या हो जाता है, चला जाता है। अब हम इसका सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, ठीक, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि कैसे लिखना है। अब हम ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक। हॉन्चेज, हार्बर, सिटी, साइलेंटली एंड मूव्स ऑन। तो अगर हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो पहले तो हेडिंग डालेंगे, सेंट्रल आइडिया, आई छोटा लेटर में लिख दे रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल आइडिया, ये हमारा हेडिंग हो गया। तो अगर इस लाइन में हमने हेडिंग लिखा है तो उस लाइन में हम कुछ नहीं लिखेंगे, उसके निचले लाइन में हम यहाँ से जहाँ हेडिंग ख़त्म हो रहा है उसके ठीक नीचे से लिखेंगे, क्या चीज़, ध्यान से देखिएगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, ऑफ द पोयम, कॉमा, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, पोयम का नाम, पोयम का क्या नाम है, फॉग, कंपोज्ड बाय, कंपोज का मतलब जब पोयम हो तो उसके रचयिता होते हैं, हिंदी में रचयिता बोलते हैं, कंपोज्ड का मतलब रचनाकार या किसने लिखा है उसको, रचयिता कौन है, तो कंपोज्ड बाय, फिर कॉमा करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पोएट का नाम लिखेंगे। अब पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग। अब क्या है, अब इस कविता में जो मेन थीम है वो हमको लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इज ए डिस्क्रिप्शन, किसका वर्णन किया गया है इसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉग,
पूरी कविता ही फॉग के बारे में है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, द पोएट सेज दैट, और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी कवि होते हैं, जो भी लेखक होते हैं, अगर उनके बारे में हमको कुछ कहना है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। क्यों? क्योंकि कवि कहता था नहीं, कवि कहता है होता है, यानी कि हमको उसमें प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करना होता है उसको। ठीक है, कि वो अभी भी ऐसा माना जाता है कि जो महान लेखक हैं, जो कवि हैं, वो आज भी हमारे मतलब दिलों में विद्यमान हैं, जीवित हैं, उनकी रचनाएं जीवित हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसको किस में मानते हैं, प्रेजेंट में मानते हैं। ठीक, ये मतलब लिटरेचर की फीलिंग्स होती है। तो क्या हो गया, द पोएट सेज दैट, कवि क्या कहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कवि, हमने क्या कहा था, कवि जो है फॉग को बिल्ली मानता है, कंपेयर करता है बिल्ली से। द पोएट सेज दैट द फॉग कम्स ऑन, या द पोएट, ऐसे लिख दें, ये तो हाथ में पोता जा रहा, द पोएट, थोड़ा सा रुक जाइए, अब इसको कर देना ऐसे, द पोएट कंपेयर्स, प्रेजेंट में ही लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में यस लगा दिए, द पोएट कंपेयर्स द फॉग विथ द कैट। पोएट किसको कंपेयर करता है, फॉग को, किससे, बिल्ली से। ठीक है, एंड और सेज दैट, और कहता है कि इट, अब किसके लिए यूज हुआ, फॉग के लिए, इट कम्स, इट कम्स लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह आता है, एंड स्प्रेड, स्प्रेड माने स्प्रेड्स, स्प्रेड्स ओवर सिटीज, सिटीज ने लिख करके सिटी ही लिख दें, क्या जरूरी है बहुवचन, स्प्रेड ओवर सिटी एंड, दिख रहा है ना, एंड सी पोर्ट्स, सी पोर्ट मीन्स बंदरगाह। ठीक है, हार्बर के जगह पे हम सी पोर्ट भी लिख सकते हैं, मतलब उसके जो सिनोनिम्स हैं आप चाहे तो यूज कर लें। तो कवि कहता है कि ये जो फॉग, फॉग जो है आता है लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह, और स्प्रेड्स ओवर, और फैल जाता है, स्प्रेड्स का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो फैल जाता है कहाँ, ओवर सिटी एंड सी पोर्ट। ठीक है, इट सिट्स ओवर देयर, कुछ देर वहां रुकता है, एंड देन साइलेंटली गोज अवे, और फिर चुपके से क्या करता है, धीरे से गोज अवे, वहां से दूर चला जाता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया किसके बारे में, फॉग के बारे में। तो थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, कैसे, ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए कि सेंट्रल आइडिया लिखना हो तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसका मेन थीम क्या है। ठीक, तो मेन थीम शुरुआत में हम तो इतना लिख ही देंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। ठीक, अब फॉग के जगह पे पोयम का नाम चेंज हो जाएगा, कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग, अब पोएट के जगह पे पोएट का नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि चैप्टर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इतना लिख सकते हैं, इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, अब इसमें डिस्क्रिप्शन किसका था, फॉग का था, इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा, दूसरा पोयम होगा एमेंडा वाले में डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा। ठीक है, द ट्रीज वाले में डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा, फायर एंड आइस में डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा। ठीक, तो हर पोयम में जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, वो किसके बारे में बताया जा रहा है उस कविता में, वो चेंज होता रहेगा, वैरी करता रहेगा, भिन्न भिन्न होता रहेगा, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग लिख देना है जो भी आप पोयम पढ़ेंगे, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो। ठीक है, अभी इंटर वाला भी हम एक समझा देंगे, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, मतलब इतना चीज़ें तो सेम ही होगा, इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फलाने ढेमा के जो भी होगा उसमें। ठीक,
तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉग है और उसमें जो पोएट है कंपेयर कर रहा है फॉग को किससे, बिल्ली से, और ये भी कहता है कि ये जो फॉग है वह बिल्ली की तरह आता है और शहरों और बंदरगाहों पे छा जाता है, फैल जाता है, और वहाँ पे कुछ देर बैठता है फॉर सम टाइम एंड देन साइलेंटली गोज अवे, और फिर धीरे से क्या करता है, चुपके से वहाँ से चला जाता है। तो इस तरीके से हम क्या लिख दिए, ये सेंट्रल आइडिया हो गया किसका, फॉग पोयम का। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अब हम लिखेंगे किसके पोयम के बारे में, थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नो का भी बता दे रहे हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो में क्या है, कभी जो था थोड़ा सा मूड उसका ऑफ था, पता नहीं क्या कारण था। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम बता दें कि ये जो बहुत नेचर से रिलेटेड कविताएं लिखते हैं, ठीक है, मतलब इनकी जो भी कविताएं होंगी वो थोड़ा प्रकृति से जुड़ी हुई होंगी, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादातर ये कविताएं लिखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, मतलब जंगल, पहाड़, आग, पानी, बर्फ, ज़्यादातर चीज़ें यही सब रिलेटेबल रहेगा, मतलब नेचर से चीज़ें रहेंगी इनकी कविताओं में। जैसे डस्ट ऑफ स्नो, स्नो आप मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, जैसे टाइगर जिंदा है या कुल्लू मनाली की ठंडियों वाली पिक्स देखेंगे या वीडियोस देखेंगे, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ ओस गिरता है, शीत गिरता है, कोहरा गिरता है, उसी तरीके से अब वही चीज़ जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, वो जो कोहरा है वही चीज़ कहाँ हो जाता है, डस्ट ऑफ स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये जो फॉग हमारे यहाँ गिरता है यूपी बिहार में, वह चिजुया क्या हो जाता है, डस्ट ऑफ स्नो में बदल जाता है, ठीक है। तो मतलब वो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जैसे हम लोग जब ठंडी में आप लोग निकलते होंगे कोचिंग वगैरह जाते होंगे, तो यहाँ पे पलकों पे, भौहों पे क्या होता है, वो ओस की बूंदें, ठीक है, उस छोटी छोटी जो मोतियाँ मोतियों की तरह दिखाई देती हैं, बहुत अच्छा लगता है वैसे, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। और वही चीज़ जब ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो वो मोतियों की तरह नहीं गिरेंगे, ठीक है, वो जमी जमी हुई गिरेंगे, तो वो बर्फ के ही कण होते हैं, जैसे यहाँ अपने यहाँ धूल होता है तो इसे वहाँ पर बर्फ के कण होते हैं, वो गिरते हैं, ठीक। तो अगर आप जाइए कहीं से, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ से होकर के गुजर, हम बहुत दुखी हैं, ठीक, धोखा खा रहे हैं या नौकरी नहीं मिल रहा है या बहुत सारी कारण हैं, बोलो बहुत सारे रीज़न हैं बाबू, और अगर लड़के हो तब तो ज़्यादा ही दुखी हो, ठीक, अब तुम जानते होगे क्या क्या दुख है, ठीक है। तो अगर तुम कहीं जा रहे हो, किसी पेड़ रास्ते में कोई फूल का पेड़ हो गया और वहाँ गए अचानक से ही ऐसे रैंडम, ठीक है, तुम जा रहे हो और उस पेड़ के नीचे से गुजरे, किसी भी पेड़ के, तो मान लो फूल का पेड़ हुआ, अचानक से हवा चली, ठीक, और फूल गिरने लगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है, तो अब वो गाना मत याद करना बहारों फूल बरसाओ वाला, ठीक, वहाँ पे बहार खुद फूल बरसा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तुम कितने भी दुखी क्यों ना हो, मतलब भयंकर पीड़ा हो, बवाल दुख हो तुमको, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अलग सुकून मिलेगा, वाह लगता है ऊपर वाला कुछ मेहरबान है, ठीक है, मतलब गदगद हो जाओगे एकदम, ठीक। तो भाई याद है कि ये जो कविता है वो चेंज ऑफ मूड को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, चेंज ऑफ मूड को, कैसे कि मान लीजिए हम दुखी हैं, कोई एक छोटा सा इंसिडेंट, ठीक है, कोई एक छोटा सा इंसिडेंट आपको खुश कर सकता है, कोई एक छोटा सा इंसिडेंट आपको दुखी भी कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में, मतलब हम जिस साइड से हैं, ईस्टर्न यूपी, ठीक है, गोरखपुर, ठीक, तो इधर क्या है कि जब हम पहली बार दिल्ली गए ना, तो किसी को मेरा, मतलब किसी ने मेरा पैर दबा दिया, ठीक, और गलती से लग गया, दबाया नहीं जानबूझ करके, मेट्रो में भीड़ था तो क्राउडेड था पहले से, तो दब गया, तो वो जब हम इशारा किए, ठीक है, कि थोड़ा पैर साइड कर लो, तो उसने कहा अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, गलती हो गया। अब वो बाबू हम यूपी से हैं और सॉरी हम कतई नहीं सुने थे कभी, ठीक,
हमारे यहाँ का सीन बता रहे हैं तुमको। अब हमारे यहाँ अगर किसी का पैर लग गया तो तुम कहोगे भाई थोड़ा पैर साइड करो, ठीक है, और तुम उसको घूरोगे, भाई दबाया है तो घूरोगे जरूर। तो वो ऊपर से क्या कहेगा, का ताकत अड़े रे, ठीक है, वो उसका रिएक्शन होगा। अब सोचो हम ऐसे जगह से गए जहाँ पे खुद पैर दबाएंगे और ऊपर से डांटेंगे भी कि क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, ठीक है, और ऐसे जगह गए जहाँ गलती से दब गया और वो सॉरी बोल रहा है, ठीक है, सीट ऑफर कर दो, थैंक यू बोलते हैं, अपने यहाँ तो सीट भी दे दोगे, बाद में अगर गलती से कहीं बैठने का विनती कर लिए, रिक्वेस्ट कर लिए, तो कहेगा बाबू हमारा आई दर्द कर रहा, हो दर्द कर रहा है, यहाँ पे बहुत लोचा है, मतलब जो भी डिफरेंस है वो एजुकेशन मैटर करता है, ठीक। हाँ ये है कि मतलब यूपी में थोड़ा सा दयालु प्रवृत्ति, दया वाले हैं, जैसे झगड़ा उगड़ा होगा तो अब बहुत सारे लोग छुड़ाने वाले मिल जाएंगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बाहर कहीं मार करोगे तो कोई नहीं छुड़ाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ज़्यादा डाइवर्ट हो गए दूसरी जगह। तो चेंज ऑफ मूड क्या होता है, छोटा सा इंसिडेंट आपको दुखी से सुखी बना देगा और छोटा सा इंसिडेंट आपको खुशी से दुखी बना देगा। जैसे कुमार विश्वास सर ने किसी का, मतलब उनका हम वीडियो देखे थे, तो उसमें वो किसी की शायरी बोलते हैं, कोई महान लेखक ही होंगे या कोई भी होंगे, तो उनमें वो कहते हैं कि तू बस मुस्कुरा भर दे तो कत्लेआम हो जाए, उसी तरह से कुछ था, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई बच्चा है क्यूट सा, जैसे वो कोई बच्ची देखे होगे वीडियो में, रील्स में पहले आती थी, छोटी सी बच्ची, बहुत सुंदर आँखें थी, ठीक है, वो मुस्कुराती थी, बहुत क्यूट लगती थी। तो ऐसे अगर बच्चे भी हों या कोई भी हो, कोई भी मुस्कुरा सकता है भाऊ, समझ जाओ। तो वो जब सामने केवल मुस्कुराना, छोटी सी छोटा सा ही इंसिडेंट होगा, तुम जा रहे हो, कोई देख लिया, मुस्कुरा दिया, तो तुम गदगद हो जाओगे, खुश हो जाओगे, मूड चेंज हो गया। कोई जा रहे हो, कोई कुछ ऐसे टोन में बोल दिया जो नहीं तुमको पसंद आया, तो तुम क्या करोगे, दुखी हो जाओगे, यार नहीं बोलना चाहिए था उसको, हमको मार देना चाहिए था, या ही करना चाहिए था, डांटना चाहिए था, हमको भी जवाब देना चाहिए था। तो ये है, तो उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे दुखी थे, बेचारे जा रहे थे जंगल से, अब वो जंगल में एक कौवा था, उसने क्या किया, हेमलॉक ट्री, कौवा था, इसमें क्या क्या है, एक क्रो है, फिर क्या है, हेमलॉक ट्री है, एक पेड़ है, ठीक है, इसको छोटा लेता हूँ, ठीक। तो हेमलॉक ट्री है, क्रो है, बस कौवा उस पेड़ पर बैठा था, उसके हिलाने के कारण, सुख करने के कारण उसको क्या किया, डाली को सुख कर दिया, हिला दिया। अब वो जो डाली जब हिला तो उसके जो डस्ट ऑफ स्नो थे उस पत्ते पर, उस पेड़ पर, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरने लगे, और ज्यों ही वो बर्फ के कण गिरे, इनका सारा दुख, सारा दर्द, सारी चिंताएं दूर हो गई। तो छोटे से इंसिडेंट ने किस तरीके से इनका मूड चेंज कर दिया, ये था इस वीडियो में, मतलब इस चैप्टर में यही था, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सेंट्रल आइडिया में, इसके सेंट्रल आइडिया लिखना हो तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, फिर पोयम का नाम लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो। अब ध्यान से देखिएगा कि जो चैप्टर का नाम होता है द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम होता है उसमें हर शब्द का पहला लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, प्रीपोजिशन छोड़ देते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन कंजक्शन नहीं ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो द डस्ट ऑफ स्नो, हर शब्द का पहला लेटर क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, कंपोज्ड बाय, लेखक का नाम भी उसी तरीके से, हर शब्द का पहला अक्षर, अच्छा पहले ही फ्रॉस्ट लिख दिया क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए। अब देखिए, मान लीजिए हमारा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा वो मीनिंग, तो हम क्या करेंगे, इसे डैश कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, वहीं नीचे लिख देंगे, यहीं पे नीचे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये तरीका क्या है, एकदम गलत है, वहाँ नहीं लिखना रहता है, वहाँ पे डैश किए, फिर यहाँ पे भी डैश करेंगे, फिर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये जो दोनों अलग अलग वर्ड्स हम लिखे हैं ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही वर्ड है, ठीक है, इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ स्मॉल
इंसिडेंट किस तरीके से, छोटी सी घटना, इंसिडेंट का मतलब घटना, कैन चेंज वंस, इसको हम मिटा दे रहे हैं, वंस मूड। यही चीज तो था इसमें लिखना था, मेन चीज तो यही थीम है इसमें, क्या है, चेंज ऑफ मूड। तो किसी का भी मूड एक छोटी सी घटना कैसे चेंज करती है वो यहां पे है, ठीक है। अब इसमें जो पोएट है वो क्या बता रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, द पोएट क्या कर रहा है, द पोएट सेज दैट, अब ध्यान से देखिए, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, किसी भी टेंस में हो सकता है, तो शुरू में प्रेजेंट में लिख दो बाबू, बाद में प्रेजेंट पास फ्यूचर करते चले जाओ, ठीक। अगर आपको टेंस नहीं लिखने आता है, उसमें कोई डाउट है, तो शुरू में प्रेजेंट में लिख दिए, अब लिख दो, द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि क्या था, ही वॉज सैड, ही वॉज सैड एंड रुइंड हिज सम एंड ही रुइंड, ऐसे लिखना, एंड ही रुइंड सम पार्ट ऑफ हिज डेज, बट वेन द क्रो सुप डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, ठीक है। यानी कि जब वो दुखी था और वो अपना जो भी पिछला दिन था, कुछ हिस्सा दिन का, उसको बर्बाद कर रहा था, लेकिन जब कौवे ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया तो क्या हुआ, ही बिकेम ग्लैड एंड हैप्पी, वह खुश हो गया, प्रसन्नचित हो गया, और उसने लगा, अब उसको क्या लगा कि अब उसका जो बचा हुआ दिन है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, बच जाएगा, दैट्स इट। तो ये भाई कक्षा 10 के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अगर आपको ये आइडिया है कि शुरू कैसे करेंगे, तो आप उसमें जो उस कविता में समझे हैं उस चीज़ को आप लिख देंगे बाद में अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके, तब भी हो जाएगा, ठीक। तो ये था कक्षा 10 वालों के लिए, कि जो भी आप उस कविता से समझे उसी चीज़ को, ठीक है, बाद में, यानी कि यहाँ तक तो हमको लिखना ही पड़ेगा डिस्क्रिप्शन तक, ठीक है। उसके बाद जो है, डिस्क्रिप्शन लिख दिए, उसके बाद हम लिखेंगे कवि क्या कहता है, तो कवि जो कहता है, ठीक है, जो आप समझे हैं, ऐसा नहीं है जो बुक में लिखा है, जो भी है, जिस जो चीज़ आप उससे समझे हैं उस कविता से, उस चीज़ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना, वही हो जाएगा क्या चीज़, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो आई होप कि सबका सेंट्रल आइडिया का जो भी क्यूरीज हो गए वो क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई किसी भी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया चाहिए, अभी अब आऊ कक्षा 9, 10, 11, 12 सबके लिए हैं, जिसको भी सेंट्रल आइडिया लिखना हो, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम थोड़ा सा 12th वाला, जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, उसको बताएं, तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। ये थोड़ा सा सही से मिट नहीं रहा है, लग रहा है वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही सही, बच्चे तो बोर्ड है तो थोड़ा बहुत तो झेल ही जाएंगे। अब जिसको याद करना होगा वह याद करेगा, अब जिन्होंने ये वीडियो देख लिया है, अगर इसके बाद भी वो याद कर रहे हैं, तो बाबू हम जानते हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम ही लोग नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो देखने के बाद भी तुम एक बार एफर्ट न करो, सेंट्रल आइडिया लिखने की कोशिश न करो, तब तो बेकार है बाबू, हमारा इतना मेहनत, रात में जा करके वीडियो बना रहे हैं और तुम मेहनत ही न करो, है ना। अब हम आते हैं 12th के बारे में, ठीक। तो अब इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, क्या चीज़, माई
मदर एट 66, माय मदर एट 66। इसकी जो लेखिका हैं, पोएटेस जो हैं, ध्यान से, कवित्री कवित्री, बहुत हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, मात्रा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से इस पे ध्यान मत देना। तो पोएटेस हिंदी में कवित्री, सही है ना, जो भी हो। तो पोएटेस कौन है? कमला दास, ठीक है, ये हमारी कवित्री हैं, कमला दास इंडियन कवित्री हैं, ठीक। तो माय मदर एट 66, चैप्टर से ही पता चल रहा है, पाठ का नाम मेरी माता जी, जो कितने साल के हैं, 66, 66 साल, 66, 66 या 66, ठीक। तो 66 साल की उम्र की माता जी की कहानी है कवित्री की। तो इसमें क्या बताया गया है, ये जो कविता है उसमें सिंपली जो माता जी की बढ़ती हुई उम्र है उसका वर्णन है, ठीक है, कि माता जी बूढ़ी हो रही हैं और कोई भी बच्चा, चाहे हम ही हैं चाहे आप लोग हैं, तो हम लोग फियर ऑफ सेपरेशन होता है पेरेंट्स से, कि माता पिता से दूर होने का डर, ठीक। तो कवित्री भी वही फील करती हैं, बचपन में जैसे किसी बच्चे को माँ से दूर करो तो बच्चा रोने लगता है, क्यों, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर या हिज पेरेंट्स, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, खास करके माँ से, पिताजी तो थोड़ा कम होते हैं, लेकिन खास करके जब छोटा बच्चा होगा तो माँ से बड़ा क्लोजनेस होता है, या ऐसा कह लीजिए कि माँ से, माँ की गोद से जैसे दूसरे की गोद में जाएगा रोने लगते हैं सब, अधिकतर बच्चों का यही सीन है। तो कवित्री भी वही फील करती हैं कि किस तरीके से वो जब छोटी थी बचपन में तो अपनी माँ से दूर होने का डर बार बार उनको हॉन्ट करता रहता है, हॉन्ट माने डराता रहता है, ठीक है, कीप ऑन हॉन्टिंग हर, वही थॉट्स बार बार, ठीक है, क्या होते हैं, रिकॉल होते हैं, बार बार उनके दिमाग में आ जाते हैं, जहन में आ जाते हैं और उनको डराते हैं, किसको, कमला दास जी को, ठीक है, कि अब उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं। तो ये कहानी जो है इस कविता में जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है माई मदर एट 66, उसकी हम ब्रीफ में हिंदी में समझा दे रहे हैं आपको, कि ये अपनी माता जी के यहाँ से, माता जी को बगल में ड्राइव करते हुए कोचीन एयरपोर्ट पर लाती हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, ठीक है। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने माता जी के साथ ही आती हैं ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट की तरफ, विदेश जा रही थी शायद, ठीक है, बाहर कहीं पढ़ने या कुछ भी। तो जब ये वापस मतलब एयरपोर्ट की तरफ आती हैं तो इनकी माँ गाड़ी में बैठे बैठे क्या करती हैं, डोज़ करने लगती हैं। डोज़ करने का मतलब होता है ऊँघना, मतलब थोड़ा सा नींद आ जाता है हल्का सा, जैसे ड्राइव मतलब गाड़ी में आप लोग बैठे होंगे तो अक्सर झपकी लेने लगते हैं, तो जब दिन में आप सोएंगे ना तो अक्सर देखेंगे आपका मुंह थोड़ा खुला होता है। तो इनकी माता जी भी जब सो रही थी तो ओपन माउथ थी, ठीक है, मुँह थोड़ा खुला हुआ था, हिल रही थी, ठीक है, मानो चेहरा पीला उला पड़ गया था, लाश की तरह प्रतीत हो रही थी। इस मतलब इस जो पोयम है इसमें ज़्यादातर यूज़ किसका हुआ है, सिमिली का यूज हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ, ज़्यादातर सिमिली का यूज हुआ, पोएटिक डिवाइस, ठीक है। जैसे उनका चेहरा जो है मून, विंटर मून से कंपेयर करता है, लाइक विंटर्स मून, और लाइक कॉर्प्स लास्ट से भी कंपेयर करता है, तो लाइक का यूज़ करके वो सिमिली का ज़्यादा, जो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द पोयम माय मदर एट 66, तो आप क्या कहेंगे, सिमिली, ठीक है। तो अगर माय मदर एट 66 का कोई भी लाइन आ जाए और उसमें पूछ दे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है तो आपको क्या कहना है, या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच याद यूज हुआ है तो आपको कहना है क्या, इसमें ज़्यादातर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है यूज़, तो सिमिली, ठीक है, कौन सा, जैसे विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, वो भी सिमिली है, लाइक अ कॉर्प्स, वो भी सिमिली है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो अब आते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो वो बार बार ख्याल आता है उनके मन में कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं, अब वो बिछड़ जाएंगी, ठीक है, बुढ़ापे के बाद भाई आदमी मरी जाता है, तो वो चीज़ें हॉन्ट करता है उनको, डराता रहता है, तो उस ख्याल को वो दूर करना चाहती हैं। खिड़की से मतलब ड्राइव करते हुए बाहर देखने लगती हैं तो जो ट्रीज होते हैं वो स्प्रिंट करते हुए तेज़ी से भागते हुए जाते हैं, मेरिली चिल्ड्रेन कमिंग आउट ऑफ देयर
होम्स, ठीक है, स्माइलिंग, वो भी खुशहाल बच्चे खुशी खुशी नंगे पैर दौड़ते हुए घर से निकलते हैं, तो ये चीज़ देखती हैं ताकि टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम नॉट थिंकिंग अबाउट हर मदर्स बीइंग ओल्ड, कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं ये न सोचें। इसके लिए वो बाहर देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो फिर से वो ख्याल आ जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते वो एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं तो उनको एहसास होता है कि वास्तव में माँ उतनी बूढ़ी है जितनी वो दिखती हैं, ठीक है। और उनकी जो सुंदरता है वह जैसे किसी की भी माँ बहुत माँ सुंदर होती है, ठीक है। मदर्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, चाहे वो मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की हो, ठीक। तो अगर हम कंपेयर, उसमें जो कवि हैं वो कंपेयर करती हैं, कवित्री, कि मेरी माँ की सुंदरता लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती हैं। तो उन्होंने उनका कहना ये था कि जो लेट विंटर्स मून है, सर्दियों में जो चांद होता है उसकी सुंदरता ओस से छिप जाती है। चांद उतना सुंदर है जितना सुंदर वो गर्मी में चमकता है, जितना सुंदर वो गर्मी में दिखता है, लेकिन सर्दियों में कोहरे की वजह से उसकी सुंदरता छिप जाती है। मेरी माता जी भी उतने ही सुंदर हैं, बस इनकी सुंदरता किससे छिप गई है, बुढ़ापे से। झुर्रियाँ आ गई हैं, ठीक है, चेहरा पीला पड़ रहा है, कमज़ोर हो रही हैं, तो ये सब उनकी सुंदरता को क्या कर रहे हैं, हाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो जाता है, उसके बाद वो दूर हो जाती हैं थोड़ा सा, कुछ यार्ड की दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर उनसे होती हैं अपनी माता जी की तरफ, और उनकी तरफ देख करके केवल यही मुस्कुरा करके बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा, मतलब अम्मा जी जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और उसके बाद वह डॉट 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 के साथ वह पोयम ख़त्म हो जाता है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरी की पूरी कविता है वह ये क्या है, स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग ऑफ थॉट्स, स्ट्रिंग ऑफ ए सिंगल थॉट, केवल एक ही विचार की कड़ी है। जैसे धागे में एक विचार को पिरो दिया जाए, ठीक है, एक ही विचार उसको पिरोया जाए, इसमें कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं यूज हुआ है पूरे पूरे पोयम में, ठीक है। लास्ट में डॉट डॉट कर दिया गया है, इसका मतलब लास्ट में क्या हो गया, डॉट डॉट, इसको हम कहते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस को हिंदी में कहते हैं विलोपन चिन्ह, कौन सा चिन्ह, विलोपन चिन्ह। बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इस चिन्ह का नाम क्या है, ये जो डॉट डॉट होता है ना, इसी का नाम होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एलिप्सिस और हिंदी में कहते हैं विलोपन चिन्ह। विलोपन चिन्ह का प्रयोग जो लेखक और कवि जो होते हैं वह अक्सर इसलिए करते हैं कि इसके बाद अब हमारे, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, जैसे जब बाहुबली मतलब कटप्पा जब बाहुबली को मार देता है तो उसके बाद उसमें अपने पता नहीं ध्यान दिया होगा कि नहीं, टू बी कंटिन्यूड लिख करके अकंटिन्यूड के बाद आगे डॉट डॉट लिखा है, ठीक है, उसमें डॉट डॉट आ जाता है। इसका मतलब अब उसके बाद पूरे साल चर्चा थी, बाहु कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक, मतलब ज़्यादा लाइमलाइट में रहता था वो। तो ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब है कि हम सामने वाले को, जो भी रीडर्स हैं, हम उनके ऊपर थोप दे रहे हैं कि बाबू आपने जो भी इस पोयम से समझा अब उसी के अकॉर्डिंग अपना आगे अनुमान लगा लीजिए कि क्या हुआ होगा। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था तो वो मतलब जब मूवी आई तब पता चला, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोग बहुत सारे गेसेस कर रहे थे, तो ये गेसेस करने के लिए ऐसा किया जाता है, बस और कुछ नहीं, कि आपने क्या समझा उसी के बेस पर आप क्या कीजिए, आगे समझ लीजिए कि क्या हुआ होगा, ठीक। तो ठीक है, अब इसका सेंट्रल आइडिया लिखते हैं हम। तो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हेडिंग जैसे हमने बताया था वैसे डाल लेना, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सेंट्रल आइडिया, ठीक, सेंट्रल आइडिया, ठीक, दिख रहा है ना, तो सेंट्रल आइडिया ये हेडिंग हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट
66 कंपोज्ड बाय, किसने लिखा है इसको? कमला दास। अब इसमें किसका डिस्क्रिप्शन है? इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एजिंग, ठीक है, बढ़ती हुई उम्र का जिक्र है। अब इसमें लिखेंगे द पोएटेस, पोएटेस क्या बताती हैं? पोएटेस वॉज, या ऐसे लिखना, द पोएटेस फील्स सैड, दुखी हो जाती है। क्यों दुखी हो जाती है? बिकॉज ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, ओल्ड एज बिकॉज ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी माँ के बूढ़े होने पर। सी सी फियर्स टू लूज हर मदर, सी फियर्स टू लूज हर मदर, अपनी माँ से दूर होने से डरती है। This thought keeps haunting her, ये जो ख्याल था कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही हैं, ये बार बार उनको सता रहा था। She also tries to put away this thought by looking outside the window, ठीक है, खिड़की से बाहर देख करके सोचती हैं उस thought को, उस विचार को दूर करें। But she realizes that her mother was, her mother is as old as she looked, जितना वो दिखाई देती हैं, ऐसी लुक्स, ठीक है, जितना वो दिखाई देती हैं उतनी बूढ़ी वो वास्तव में हैं, ठीक है। और सी ऑल्सो कंपेयर्स हर मदर्स ब्यूटी, अपनी माँ की सुंदरता किससे कंपेयर करती है? विथ द लेट विंटर्स मून एट द एंड सी जस्ट लुक्स एट हर, and says that they will meet soon. That's it.
तो लास्ट में वो अपनी माँ की तुलना, सुंदरता की तुलना लेट विंटर्स मून से करती है, और अंत में केवल उसकी तरफ देख करके यही कहती है कि वे लोग जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे उस पोयम में कहता है कि आई विल, मतलब सी यू सून अम्मा, ठीक है, तो सी या आई, आई यू वी, तो कोशिश करना चाहिए कि ये जो आई है ये लेखक या लेखिका अपने लिए यूज करते हैं, यू जो है वहाँ पे लिसनर के लिए यूज किया जाता है, और वी भी जब बहुवचन में होता है तो वो लोग अपने लिए यूज करते हैं। तो हमको आंसर राइटिंग में, ठीक है, कोशिश यही करना चाहिए कि आई वी यू, इसको लिखने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, लिखने से बचें। ठीक है, क्या करें, आई वी यू लिखने से बचें, दिख रहा है ना, तो आई वी यू लिखने से बचें, कोशिश यही करना बाबू। ठीक, और हमको लगता है कि अब आप लोगों को क्या हो गया, सेंट्रल आइडिया लिखने का आइडिया आ गया होगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन तक आप लोग लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद आप उस पोयम से क्या चीज़ समझे हैं। अगर जैसे मैंने अभी मैं ये लिखा हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और आया हो, आपने कुछ और समझा, तो आप कुछ और लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो इनकरेक्ट है या वो गलत है या यही बार 100% सही है, विद्या वाला अलग हो गया, नहीं बहुत, जो जिसको जो चीज़ समझ में आया है वो अपने थॉट्स प्रोसेस को ही लिख रहा है। तो वो चीज़ जो आप उस कविता से समझे हैं उसको आप लिखेंगे तो अपने विचार में लिखेंगे। हो सकता है आपको इसमें दूसरा कुछ मीनिंग आ जा रहा हो, मतलब मेरे जो मीनिंग्स हैं उससे आपका मीनिंग डिफरेंट हो, थोड़ा हो सकता है आप इजी लैंग्वेज में लिखें। तो अगर आप इजी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, सबसे इजी, ठीक है, तो ये सबसे इफेक्टिव होता है बाबू, ध्यान रखना, ठीक है, सबसे इफेक्टिव होता है। मेरे लिटरेचर में 50 में से कितने नंबर्स थे, अंदाजा लगा लो, 46 इंटर में, ठीक है, तो 50 में 46 मार्क्स आए थे मेरे। ठीक, तो वो सब हम जितने भी आंसर्स लिखे थे उसको हम रट करके नहीं गए थे, हमारा ग्रामर जो है ट्रांसलेशन वगैरह थोड़ा सा ठीक ठाक था उस समय, हमारे गुरुजी थे उनका तो हम सादर आभार प्रकट करते हैं। ठीक है, यादव सर जी थे, पांडे सर जी थे, दो टीचर थे जो बहुत बेहतरीन थे, और एक सर जी गोरखपुर में भी मिले थे, उनका नाम हमको नहीं याद है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे थे। ठीक, तो ये जो दो तीन टीचर का हम नाम बोले हैं इंग्लिश में, तो वो हम इंटर लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में तो एक से एक महारथी मिले थे, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो अलग बात है। तो इंटर में 50 में से 46 मार्क्स आए थे बाबू, तो वो अच्छा था, और आंसर को हमने रटा नहीं बल्कि हमने क्या किया था, अपने लैंग्वेज में लिखा था। तो अगर आप भी अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब रात ज़्यादा हो गई है और हमको वीडियो थोड़ा सा बड़ा लगने लग रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन, चैप्टर का नाम, पोयम का नाम, फिर पोएट का नाम, फिर डिस्क्रिप्शन, किसके बारे में है वो मेन आइडिया जो उस पोयम में होना चाहिए। ठीक, उस पोयम का मेन आइडिया क्या है, जैसे इसमें क्या है, बढ़ती हुई उम्र का जिक्र है, तो वो हो गया। उसके बाद पोएट क्या फील करती है, क्या कहती है, क्या करती है, उसको हम अपने शब्दों में लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, यही है बस, होप आप सभी को ये वाला वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि भाऊ कोशिश तो हमारी यही थी कि सबको सब कुछ समझ में आए, लेकिन अगर किसी को अलग से इंटर के लिए या हाई स्कूल के लिए, नाइन्थ के लिए, इलेवेंथ के लिए, किसी भी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर या किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का अगर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश किया जाएगा। ठीक है।